अबरारुल्हक का गाना बिलो दे घर जितना कामयाब हुआ उतना ही मुतनाज़ा भी हुआ, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और कहा गया कि ये गाना गैर इखलाकी है। कहते हैं ना कि कुछ लोग सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और कुछ लोग एक ही जिंदगी में सारे काम कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे अबरारुल हक की। अबरार के वालिद साहब चाहते थे कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं और इसके लिए सीएसएस करें, लेकिन अबरार का दिल तो म्यूजिक में था और आप जब भी पढ़ने बैठते तो कोई ना कोई गाना लिख कर उठते। और यूं 1995 में आपने एक गाना लिखा, असाते जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर, असाते जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर, असाते जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर, जो सुपर डुपर हिट हुआ, जिसके लाखों एल्बम्स बिके और दुनिया भर में पाकिस्तानी म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक के चाहने वालों ने इसे बहुत पसंद किया और इस गाने ने अबरारुल हक को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वैसे तो अबरार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट लाइफ में एक बैंड भी बनाया था, लेकिन जब कोई बैंड मेंबर छोड़ के जाता और उसे उसके पैसों की ज़रूरत होती तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिक जाता। यूं बैंड बनता और टूटता रहा और आखिरकार बैंड बैंड ना रहा, लेकिन अबरारुल हक का करियर सोलो ही बहुत कामयाब रहा। अबरारुल हक का गाना बिलो दे घर जितना कामयाब हुआ उतना ही मुतनाज़ा भी हुआ, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और कहा गया कि ये गाना गैर इखलाकी है। खैर, एतराज़ात तो अबरार के और गानों पर भी हुए, जैसे कि नच पंजाबन, परवीन और चमकीली, लेकिन अबरारुल हक की शोहरत और कामयाबी इन एतराज़ात से मुतासर नहीं हुई, बल्कि आप और आगे बढ़ते रहे। आपके इन गानों के अलावा आपके और बहुत से गाने भी बहुत हिट हुए, जिनमें दीगर गानों के साथ साथ प्रीतो, सानू तेरे नाल प्यार, बैजा साइकिल ते, जीटी रोड, जट चढ़िया कचेरी और तेरे रंग रंग शामिल हैं। अबरारुल हक ने टीचिंग की, सिंगिंग की, फिर उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। आप बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो ज़िंदगी में एक डिप्रेशन आ गया और फिर आपने सोचा कि चैरिटी करनी चाहिए। फलाही कामों के लिए आपने बनाया सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, जिसने और फलाही कामों के साथ साथ नारोवाल के गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए एक जदीद और मुफ्त हॉस्पिटल सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। बाद में आपने सहारा मेडिकल कॉलेज भी बनाया और अब आपका सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अबरारुल हक की कामयाबियों के सफ़र में एक मोड़ और आया और वो है पॉलिटिक्स। आपने सियासत में भी हिस्सा लिया और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके असेंबली पहुंचे। अबरारुल हक साहब, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप यूं ही काम किए जाएं और ऊपर वाला यूं ही आपकी मदद किए जाए। छाएगा आपसे तू।